असल मसला क्या पैदा हो रहा है, लोग क्या तसव्वुर करते हैं। आज जिन लोगों ने भी हदीस के ऊपर एतराज जो लोग भी करते हैं, हम अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि उन्होंने कभी भी इस्तिलाहात हदीस को या मुहद्दिसीन का जो तहकीक का तरीका रहा है उनको सही माने में पता नहीं है, सही माने में पता नहीं है। अगर वो किसी दिन सही माने में पढ़ लेंगे इसको, तो कभी ये बात नहीं कहेंगे कि हदीस वो जबानी तौर पर याद किए थे, पता नहीं जो है याद रही नहीं रही, जब लिखी नहीं गई थी तो क्या एतबार करेंगे उसका। सुनते होंगे आप, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं हदीस इतनी बाद में लिखी गई। वो एक अलग मसला है कि हदीस कब से लिखना शुरू किए, लेकिन हदीस या कोई भी बात सिर्फ लिख लेने से वो काबिल एतबार नहीं होती। मुहद्दिसीन तो ये भी जहन में रखे होंगे, अगर हदीसें लिखने से ही काबिल एतमाद और काबिल भरोसा होती या कोई भी बात, तो तौरात तो तख्तियों पर लिखी हुई मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी, वो महफूज नहीं रही, और कुरान जबानी तौर पर नाजिल किया, लिख करके नहीं आया। कुरान में क्या है? नहीं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते और आपके सीने में महफूज हो जाते, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से सहाबा के सीनों में मुंतकिल होता। आप फिर किसी को कहते तो वो लिख लेता, लेकिन ये लिखना ये उसकी हिफाजत के लिए नहीं था। असल हिफाजत कहाँ थी? सीनों में थी। ये एक बात जहन में रखिएगा, कभी भी ये चीज नहीं है कि अगर चीज लिखी है तो वो काबिल एतबार है, लिखी नहीं है तो काबिल एतबार नहीं है, ऐसा नहीं। बल्कि लिखी हुई चीजों में कमी बेशी करने का इम्कान ज्यादा होता है उसके मुकाबले में जो कहां महफूज है, सीने में। लिखी हुई चीजों में लोगों का हाथ पहुंच सकता है, सीने में जो महफूज है वहां किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। तो कुरान की हिफाजत में तो इसी को रखा गया कि पहले सीने में महफूज किया गया, बाद में लिखा गया है, और यही तरीका हिफाजत का सबसे बेहतर तरीका। आज भी दुनिया में कोई भी, इतने सारे दुश्मन है इस्लाम के, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन कुरान में आज तक प्रिंटिंग प्रेस वाला गैर मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी कमी बेशी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सीनों में महफूज है, कहीं भी किया तो पकड़ा जाएगा। अगर सीनों में महफूज ना रहे तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो मशहूर चीज है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया कोई जानबूझ करके नहीं करके पेश कर देगा। तो ये असल में हिफाजत की बात थी। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।